जी। और मैं जा रही हूँ अपने रिश्तेदारों के घर, तो मैंने कहा आपसे शेयर करूँ। जब मैं आंटी के घर जाती हूँ, मैं ये वाले गोलगप्पे ज़रूर खाती हूँ, उनके गोलगप्पे बहुत मज़ेदार होते हैं। मुर्गी बनाई है और जनाब अली और क्या बनाए बेटे, यही कुछ मुर्गी है, समझ ही नहीं आती, सारा समझ ही नहीं आती, बस इसलिए आज हमने मुर्गी बना ली। अच्छा हाँ, ये देखें, ये मेरी कजन का बेटा है। हेलो, दिखाओ, ये खा लो, खा लो। ये अपने रिश्तेदारों के घर आई हूँ, ये इनके दो बच्चे हैं, ये छोटा सा, ये इनका बहुत शरारती है, बहुत तंग करते अपनी मम्मा को। ये माशाल्लाह से दो बच्चे हैं, एक ये है, एक ये है, मोहम्मद अकाश, मोहम्मद हसनैन है। इनमें से शरारती कौन है, वो है या ये बड़े वाला? वो बहुत ज्यादा शरारती, हाँ, बहुत ज्यादा शरारती है। आपको दिन रात माशाल्लाह बहुत छोटा है अभी, ये तो छोटा सा बच्चा है अभी, ये कुछ नहीं कहता। आप अपने खिलौने तो दिखाओ, ही खिलौना दिखाओ। ये बच्चा बहुत अच्छा है, ये आप देखें, हमारे पास आराम से बैठ जाता है। ये कितनी प्यारी इनकी चूड़ियों कलेक्शन है, ये देखें, ये वाली भी बहुत प्यारी है, ये भी बहुत प्यारी है, ये देखें, ये वाली भी है, ये देखें, ये भी बहुत प्यारी इनकी चूड़ियाँ। आज का दिन तो बहुत ही मेरा मसरूफ़ तरीन दिन था, ये आंटी ने मुझे रोक लिया, सारा दिन मैं इनके घर रही हूँ, उन्होंने इतना अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था। और ये देखें, ये इनकी चूड़ियों कलेक्शन है, ये इनका चूड़ियों का बॉक्स है। ये देखें, इनके घर इनकी बहन की शादी है, तो ये मेहंदी का सूट लाई है, मैं आपको दिखा दूँ, इतना प्यारा सूट है, ये मेहंदी के लिए लाए, इनकी बहन की शादी है, तो मैंने कहा मुझे भी दिखाओ। ये देखें, ये कितना मल्टी कलर का काम हुआ है, शीशे का काम हुआ है, ये बैक साइड है इसकी, और ये इसका दुपट्टा है, सूट है, ये भी बहुत प्यारा है, ये इन्होंने घर में पहनने के लिए लिया है, बहुत प्यारा है, यहाँ पे भी इसका काम हुआ है, ये देखें, बहुत ही प्यारा सूट है, ये देखें, और ये इसके दुपट्टे पे भी, ये देखें, ये कढ़ाई हुई हुई है सारी, बहुत ही प्यारा सूट है इनका। और ये मैक्सी है, ये देखें, फुल इस पे कढ़ाई हुई हुई है, बैक साइड भी इस पे कढ़ाई हुई हुई है, ये भी बहुत प्यारा है, मुझे बहुत पसंद आया, ये देखें, और ये देखें, ये भी बहुत प्यारी इनकी जिप है, ये देखें, ये देखें। दोबारा फिराना, आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई, और आप आती रहा करना, और
आपका बहुत बहुत अच्छा, शुक्रिया। अपनी अम्मी को सलाम देना। ये 100 साल पुराना बोहड़ का दरख्त है, बहुत ही पुराना दरख्त है। ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें। हाँ। और अच्छा है दरख्त। और ये आम का दरख्त है, इस पे आम भी लगते हैं। आंटी आम को तोड़ के चटनियाँ बनाती हैं और इमली का अचार भी डालती हैं, मुरब्बा भी बनाती हैं, अचार भी डालती हैं। इसका अचार जो है ना बहुत अच्छा डलता है, इसके ये बहुत अच्छा फल है और हमने इसके आम भी खाए हैं, इमली चटनियाँ भी बनाते हैं। ये देखें, आम का दरख्त किसी के घर में नहीं होगा, ये पहला घर है आंटी का। देखें, आम का दरख्त इधर लगा हुआ है, इस पर बहुत प्यारे प्यारे आम भी लगते हैं और इनकी अम्बियों की ये चटनी भी बनाती हैं और अचार भी बहुत मज़ेदार होता है आंटी के हाथ का। मैं आपको मज़ीद आगे वीडियो में इनका अचार और अम्बी की चटनी भी दिखाऊंगी। थैंक यू फॉर वाचिंग, फिर मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।